हरे कृष्ण, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, इसका थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में एक्चुअली कंप्लीट कर लिया है। अब हर जगह फोर्थ चैप्टर का नाम है द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। नारद मुनि यहाँ पे प्रकट होते हैं और वेद व्यास जी को भागवत ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने वाले। तो अगर आप देखें तो पहले स्कंद में तो प्रश्न पूछा गया और फिर दूसरे स्कंद से लेकर के दूसरा अध्याय, पहले अध्याय में प्रश्न पूछा गया और दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय भी भागवत की ही महिमा का वर्णन प्रदान करता है और चौथा अध्याय भी जो है भागवत की महिमा का वर्णन इसमें भी किया जाएगा अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार के। कि भागवत भी अनंत है, अगर वास्तव में भागवत की महिमा का ही वर्णन किया जाए ना तो पूरे जितने भागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक भी कम पड़ जाएंगे भागवत ग्रंथ की महिमा को वर्णन। वो तो फिर सुखदेव गोस्वामी, सुख गोस्वामी को अपने आप को सीमित करना पड़ा। भागवत ग्रंथ की महिमा भी बहुत कुछ वर्णन कर चुके हैं, अब वो डायरेक्ट लेके जाएंगे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भागवत को समझकर। अब यहाँ पे नारद मुनि के प्राकट्य के द्वारा भागवत की महिमा को और प्रकट किया जाएगा। ये जो आधारित है ये अध्याय भागवत के पहले स्कंद का, पहले अध्याय का जो दूसरा श्लोक है और तीसरा श्लोक धर्म प्रोज्जित कैतुवार, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक निगम कल्प तरोर गलितम फलमिदम, ये दो श्लोकों में जो एक इन दो श्लोकों में जो सार रूप में महिमा वर्णन किए थे वेद व्यास जी, तो उसी का विस्तार करके इस अध्याय में बताने वाले हैं कि कैसे नारद मुनि की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये भागवत की महिमा को वेद व्यास जी समझते हुए जानते हुए और इस भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए तत्पर हो जाए और अपनी परिपक्व अवस्था में इस भागवत ग्रंथ की रचना करते। आइए हम लोग नारद मुनि के प्राकृतिक के बारे में चर्चा आगे। अपीयरेंस ऑफ श्री नारद मुनि, पहला श्लोक। व्यास उवाच इति ब्रुवाणम संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धाकुलपतिसूतं स्ववृच्या शौनको अब्रवीत्। ट्रांसलेशन। व्यास देव सेड ऑन हियरिंग सूत गोस्वामी स्पीक दस, शौनक मुनि हु वाज द एल्डरली लर्नड लीडर ऑफ ऑल द ऋषिज एंगेज्ड इन दैट प्रोलॉन्ग सैक्रिफिशियल सेरेमनी कॉन्ग्रेचुलेटेड सूत गोस्वामी बाय एड्रेसिंग हिम एज फॉलोज। तो इस प्रकार से सुनने के पश्चात सूत गोस्वामी के द्वारा जब शौनक आदि ऋषि भागवत की महिमा को, कृष्ण की महिमा को श्रवण किए सुने पिछले अध्याय में, विशेष रूप से भगवान कृष्ण किस प्रकार से परम भगवान है, समस्त अवतारों के भी वो स्रोत है, ये सुनने के पश्चात शौनक आदि ऋषि धन्यवाद देते हैं सूत गोस्वामी को और इस प्रकार से एड्रेस करते हैं। ये व्यास वेद व्यास इति इति ब्रुवाणम संस्तूय मुनीना दीर्घ सत्रिणाम वृद्धा कुलपति सूतम बहुरिचा शौनक अब्रवीत। इस प्रकार से सुन, समस्तूय मुनि नाम, समस्तूय स्तूय स्तवन स्तूय स्तुति, इससे सब प्रकट हुआ है। तो इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं सम्यक रूपेण, पूरी तरह से उनको धन्यवाद या उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए सभी सेजेस जहाँ पे वहाँ पे एकत्रित थे शौनक आदि ऋषि, उनके जो स्पोक्स पर्सन थे यानी मुख्य
जो वक्ता हुए उनके बिहाफ में सबके रिप्रेजेंटेटिव बन करते हैं। शौनक ऋषि जो है धन्यवाद देते हैं, जो सारे ऋषि लोग एकत्रित हुए थे। दीर्घ शत्रिणाम, दीर्घ शत्रिणाम, शत्रिणाम मतलब यज्ञ करने के लिए एकत्रित होना, शत्रिणाम इसको बोलते हैं। और दीर्घ मतलब बहुत लंबे समय के लिए यज्ञ करने के लिए एकत्रित होना, हमने ऑलरेडी चर्चा किया। 1000 वर्ष तक वो 1000 वर्ष का संकल्प लिए थे कि 1000 वर्ष तक हम जो है यज्ञ करेंगे लोक कल्याण के लिए, स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में बहुत ही भयानक दुर्दशा होने वाली लोगों, इसलिए उनके कल्याण के हेतु हम ये यज्ञ करेंगे, इस उद्देश्य से बैठे थे। और वहां पे अचानक से फिर जब सूर्य गोस्वामी आते हैं तो उनको सम्मानित करके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको बताइए, भागवत के बारे में बताइए। तो भागवत की अभी जस्ट महिमा ही, कुछ महिमा को वर्णन किया, उसी से शौनक आदि ऋषि बहुत गदगद हैं, उनके हृदय में वो आतुरता, उत्साह और जिज्ञासा और बढ़ गई है भागवत को सुनने के, इसलिए उनको धन्यवाद देते हुए इस प्रकार से बोलने वाले हैं। वृद्धा कुलपति, जिनको धन्यवाद दे रहे हैं, वृद्धा कुलपति सूतम, सूत गोस्वामी जो कि कुलपति, हेड ऑफ द असेंबली। वृद्धा कुलपति मुनि नाम दीर्घ शत्रि नाम, वृद्धा कुलपति सूतम वृच्चा शौनक अब्रवीत, लर्नेड लीडर ऑफ ऑल द ऋषिज एंगेज इन दैट प्रोलॉन्ग सैक्रिफिशियल सेरेमनी कॉन्ग्रेचुलेट्स यू फॉर बाय एड्रेसिंग लेस फॉलोअर्स। शौनक मुनि, शौनक ऋषि हैं, तो जो जितने भी ऋषि मुनि हजारों की संख्या में एकत्रित हुए थे यज्ञ करने के लिए और सूत गोस्वामी से सुन रहे हैं, तो उनमें से सर्व सबसे ज्यादा वृद्ध, अब या वयो वृद्ध हो सकते हैं या ज्ञान वृद्ध हो सकते हैं, ये दोनों ही हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं। तो शौनक ऋषि वहाँ पे वृद्ध हैं, सबसे बड़े हैं, और साथ ही साथ में लर्नेड लीडर ऑफ ऑल द ऋषिज कुलपति वृच्चा शौनक अब्रवीत, इस प्रकार से शौनक ऋषि को कंग्रेचुलेशन कर। इन अ मीटिंग ऑफ लर्नेड मैन व्हेन देर आर कॉन्ग्रेचुलेशन और एड्रेस फॉर द स्पीकर, द क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ग्रेचुलेटर शुड बी एज फॉलोज। यानी अगर किसी सभा में कोई भगवान की कथा कर रहा है, तो वो कथाकार को एड्रेस करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए जो व्यक्ति योग्य है, उसके भी योग्यता का वर्णन यहाँ पे किया जाए। शौनक आदि ऋषि इस प्रकार से योग्य थे जो सूत गोस्वामी को प्रॉपर तरीके से सम्मान दे सकते हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं। सो क्या क्वालिफिकेशन है किसको, यानी इससे पता चलता है कि अगर कहीं पे भी कुछ कथा का आयोजन हो रहा है और जो कथा करने आ रहे हैं, यानी भगवान के बारे में प्रवचन करने आ रहे हैं, तो उनका स्वागत सम्मान और कथा के उपरांत धन्यवाद किसको करना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी नया व्यक्ति आकर के गार्लैंड पहना दिया, कोई भी नया व्यक्ति आकर के उनको सम्मान कर रहा है, उनका इंट्रोडक्शन दे रहा है और अंत में फिर उनको धन्यवाद दे रहा है, ऐसा नहीं। कौन होना चाहिए, उसकी योग्यता है। पहला, ही मस्ट बी द लीडर ऑफ द हाउस एंड एन एल्डरली मैन। उस सभा में जो भी असेंबली है वहाँ पे जो भी सुन रहे हैं श्रोतागण, उनमें जो सबसे वृद्ध व्यक्ति वो, और साथ ही साथ में उस सभा का वो लीडर होना चाहिए, यानी जो सभा है उसका लीडर या वृद्ध व्यक्ति, उसको आगे आकर के स्वागत करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। ही मस्ट बी वास्टली लर्नेड ऑल्सो, और साथ ही साथ में केवल वयो वृद्ध ही नहीं, वो ज्ञान वृद्ध भी होना चाहिए। सेकेंड क्वालिफिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज्ञान वृद्ध होगा तब वो जो प्रवचन दिया गया है उसको सही तरीके से समझ के और उसके अनुरूप जो है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकता है, धन्यवाद दे सकता है, और सबके बिहाफ में सबका प्रतिनिधि बन करके उनसे उस प्रकार से वो प्रश्न पूछ सकता है और वर्णन कर सकता है कि किस प्रकार से ये जो प्रवचन है भगवान के बारे में लाभदायक है। श्री शौनक ऋषि हैड ऑल दिस क्वालिफिकेशन एंड दस ही स्टूड अप टू कॉन्ग्रेचुलेट सूत गोस्वामी व्हेन ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू प्रेजेंट श्रीमद् भागवतम एग्जैक्टली एज ही हर्ड इट फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी एंड ऑल्सो रियलाइज इट पर्सनली। अभी भागवत चालू नहीं हुआ है,
भागवत चालू करने के पहले भागवत की महिमा को ही वर्णन किए हैं सुखदेव स्वामी। उस वर्णन को सुन करके ही बीच में ही शौनक ऋषि बड़े ही उत्साह पूर्वक आदर सम्मान देते हुए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन भी दे रहे हैं, यानी अपने हृदय की बात को रख रहे हैं। और जब लीडर, जो सभा है, जो ऑडियंस है, उनका जो लीडर होता है वो जो बात बोलता है, तो उससे जो वक्ता होते हैं उनको आभास होता है कि सारे ऑडियंस, जो श्रोतागण हैं, उनका क्या मूड है। इसलिए जरूरी है कि जो वहाँ का लीडर है उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको मन की बात को प्रकट करना चाहिए, उसे आइडिया लगे। और दूसरा, शौनक आदि ऋषि के हृदय में भागवत की महिमा सुनने के पश्चात तीव्र इच्छा हुई कि हम भागवत को विस्तार से सुने और ज्यादा सुने, कोई कट शॉर्ट नहीं करना है। और शुद्ध गोस्वामी भी पूरे उत्साह के साथ हृदय खोल करके भागवत की महिमा को एज इट इज, यथा रूप, जितना उनके हृदय में साक्षात्कार है वो सब कुछ बताएं, कुछ कम ज्यादा ना बताएं, कम ना बताएं। इस इच्छा से भी जो ऑडियंस होते हैं उनको इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए, इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए ताकि वक्ता को प्रेरणा मिले। क्योंकि तो भागवत के 10म स्कंद में ये एक जगह वर्णन आता है, लाइट ऑफ भागवत करके प्रभुपाद जी ने पुस्तक भी लिखा है, वृंदावन में कार्तिक महीने में जो एनवायरनमेंट है वो कैसी कैसी उसकी परिस्थिति होती है, उसके बारे में वर्णन करते हुए एक उदाहरण वहाँ पे देते हैं। वो एनोलॉजी तुलना है, वो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा किससे उन्होंने तुलना किया था, लेकिन वो एक प्रसंग आता है वहाँ पे बताते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और या गुरु होते हैं, तो वो कई बार अपने शिष्यों को या ऐसी सभा में जहाँ पे भगवान के बारे में कथा करना चाहते हैं, तो कई बार तो वो विस्तार से कृष्ण की कथा का वर्णन करते हैं, जितना भी उनका साक्षात्कार है पूरा वर्णन करते हैं, कुछ भी सीक्रेट जो है नहीं रखते हैं। और कई बार केवल बहुत कम शॉर्ट में, संक्षिप्त में ही कुछ वर्णन करते हैं, और कई बार केवल चुप रहते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ वर्णन नहीं करते। तो ये अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार भगवान के जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार से आचरण रखते हैं, और ये उचित आचरण। अगर वो किसी ऐसी सभा में जाते हैं जहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है भगवान की भक्ति में, वो केवल भौतिक लाभ चाहते हैं, बाहरी दृष्टिकोण से तो सम्मान दे रहे हैं कि हाँ हाँ साधु आए हैं, प्रभु जी आए हैं, आइए प्रभु जी, गार्लैंड पहना रहे हैं और बहुत कुछ जो है सम्मान दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, लेकिन जब वो जो भक्त है भगवान का कुछ कथा करना प्रारंभ करता है तो वो बीच बीच में उसको काट के और इधर उधर के बातें को ट्विस्ट कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो अपना ही कुछ भौतिक चीजों के बारे में वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं, या कुछ भौतिक लाभ ही प्राप्त करना उनको इसके बारे में जो है वो जिज्ञासा रखने लग जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तब ऐसे सभा में जो भक्त होते हैं वो फिर चुप हो जाते हैं, वो फिर भगवान की कथा नहीं करते, और वो मन ही मन सोचते हैं कब मैं इससे छुटकारा पाऊं, कब मैं यहाँ से निकल के कहीं जाऊं और जगह जहाँ पे लोग तत्पर हैं भागवत कथा को सुनने के लिए, वास्तव में उनके पास में जाऊँ, या अगर कोई नहीं है तो कम कब मैं इनसे छुटकारा पाके अपना जो है नाम भजन कर लूँ कम से कम। ये तो केवल भौतिक लाभ ही चाहते हैं, इनको तो कोई इच्छा है नहीं। तो इस प्रकार से ऐसी सभा में भक्त लोग ज्यादा बोलते नहीं, वो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई ऐसी सभा है जैसे यहाँ पे शौनक आदि ऋषियों की सभा है, यहाँ पे सब लोग हैं जो वास्तव में भगवान के बारे में शुद्ध रूप से उनके भक्ति के को प्राप्त करने के तो सुनने के लिए तत्पर, तो ऐसी सभा में जब भक्त लोग जाते हैं तो वहाँ पे भक्त जितना सोच के आते हैं कि चलो आधा घंटा थोड़ा कृष्ण कथा करेंगे, तो उससे ज्यादा भी वो कर सकते और ज्यादा भी वहाँ पे समय वो व्यतीत कर सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण खुद सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी तो परम विरक्त थे पूरी तरह से, उनको कोई संसार से, भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन और किसी भी जगह पे वो किसी भी गृहस्थ के घर भी जाते थे तो केवल उतना समय रुकते थे जितना गाय को धोने में समय लगता, वो भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, गेट के पास ही कुछ समय खड़े रहते, वो आके दूध दे देता था, वो दूध पी के निकल जाते बस दिन में एक बार ऐसे ही, और अपना खुद भ्रमण करते रहते थे भगवान का चिंतन करते हुए। लेकिन वही सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज के सामने प्रकट हुए, परीक्षित महाराज उनके सामने आया और उन्होंने कृष्ण के प्रति जिज्ञासा रखा, भागवत को वास्तविक रूप में सुनना चाहते थे, तो सुखदेव गोस्वामी पूरा समय दिए, 7 दिन 7 रात तक बैठ के पूरा भागवत सुना। और इसीलिए यहाँ पे शौनक आदि ऋषि भी अपने हृदय की बात रख रहे हैं, यह सबको श्रवण करना है।
और कंग्रेचुलेट कर रहे हैं सूर्य गोस्वामी प्रेरित हूँ, और कुछ भी जो सीक्रेट अपने मन में ना रख और प्रकट कर दे, सब कुछ बताएं, सब कुछ चर्चा करें, तो इस भाव से ये प्रणाम कर रहे हैं। पर्सनल रियलाइजेशन डज नॉट मीन दैट वन शुड आउट ऑफ वैनिटी अटेम्प्ट टू शो वन ओन लर्निंग बाय ट्राइंग टू सरपास द प्रीवियस आचार्य। ही मस्ट हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द प्रीवियस आचार्य एंड एट द सेम टाइम ही मस्ट रियलाइज द सब्जेक्ट मैटर सो नाइसली दैट ही कैन प्रेजेंट द मैटर फॉर द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस इन अ सुटेबल मैनर। ये भी एक महत्वपूर्ण, जो श्रोता है उनके भी क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए इसका वर्णन किया जा रहा है, स्पेशली जो लीडर ऑफ द सोसाइटी, उनको तो उनको खुद भी ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, तब वो सुन करके उसका साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। कई बार ऐसा देखा गया है कि कहीं पे अगर कथा करने जाओ प्रवचन के लिए तो श्रोतागण जो बाहर से आए वो तो बैठे रहते हैं चुपचाप, और बाकी जो ऑर्गेनाइजर हैं वो इधर उधर व्यस्त रहते हैं, ऑर्गेनाइज करने में ही उनका पूरा समय निकल जाता है, कथा वो सुन ही नहीं पाते, तो ये सही तरीका नहीं, इसका मतलब उनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले से कंप्लीट होना चाहिए या डेलीगेट कर देना चाहिए, जो मुख्य ऑर्गेनाइजर है, जो मेन लीडर है, उनको जब कथा इन्वाइट करते हैं किसी भक्त को तो उस समय वो कथा श्रवण करना चाहिए, आगे बैठ के सुनना चाहिए पूरा टाइम, और जो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं वो अन्य किसी लोगों को हायर करके लगा देना चाहिए सेवा, तो वो वहाँ पे मैनेज करते हैं, क्योंकि अंत में फाइनली जो लीडर है उन्हीं को बोलना है, तो अगर वो खुद ही सुने नहीं रहेंगे तो वो क्या बोलेंगे, तो वो क्या अपना ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करेंगे, क्या धन्यवाद देंगे, और इस प्रकार से वो कथा फिर एक तरह से संपूर्ण नहीं होती। और लीडर ही जब नहीं रहते प्रेरित तो जो ऑडियंस आते हैं श्रोतागण होते हैं वो भी फिर इंटरेस्ट खो देते हैं, वो सोचते हैं कि ये लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल ऑफिशियल है, ये शो के लिए है बस, यहाँ ठीक है भाव कथा करवाया गया है ताकि यहाँ पे घर में जो है पुण्य मिल जाए थोड़ा सा, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, हाँ कुछ कुछ लोगों को लगे कि हाँ इनके घर में धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो श्रोतागण भी इसी लीडर को देख करके यही समझेंगे और फिर वो भी ध्यान नहीं देंगे सुनने में, इसलिए यहाँ पे शौनक आदि ऋषि के आचरण से हमको सीखने को मिलता है। शौनक आदि ऋषि खुद जो है बड़े उत्साह के साथ श्रवण किए केवल भागवत की महिमा को ही, और उसको श्रवण करने के पश्चात कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, यानी ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि यस हम भागवत की महिमा भी सुने हैं थोड़ा सा और हम सुनना चाहते हैं और आप बताइए, तो जो लीडर ही जब इस प्रकार से उत्साहित हुए उनके साथ जितने भी हजारों उनके अंडर में ऋषि मुनि थे वो सब अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, शुद्ध गोस्वामी जो भी भागवत कथा करने वाले उसको बहुत सीरियसली लेंगे, तब इस प्रकार से ये जो कथा है प्रवचन प्रोग्राम वो सफल होता है, अन्यथा केवल सत्यनारायण की कथा की तरह हो जाता है। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द टेक्स्ट मस्ट बी मेंटेन्ड, नो ऑब्सिक्योर मीनिंग शुड बी स्क्रूड आउट ऑफ इट, येट इट शुड बी प्रेजेंटेड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। साक्षात्कार का मतलब बता रहे हैं, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, जो वक्ता है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका ये ड्यूटी है कि जो जो भी वो चर्चा करने जा रहे हैं तथा कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बना के रखना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या है, कोई भी भक्त अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, हम लोग यहाँ पे जो है जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर जो बोनाफाइड प्रामाणिक आचार्य हैं शुद्ध भक्त हैं उनके ही उद्देश्य की बात कर रहे हैं जो कि असली उद्देश्य है, तो जो भक्तों का उद्देश्य होता है भगवान की कथा करने का उसके पीछे एक ही भाव होता है, एक ही मोटिवेशन होता है कि भगवान का शुद्ध भाव से उनके तत्ववतः यानी वास्तविक रूप में उनका उनके गुणों का उनके लीलाओं का उनके नाम का रूप का वर्णन करें गुणगान करें ताकि भगवान प्रसन्न हो सके, और जब भगवान यानी भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को सेवा प्रदान करने के भाव से ये वक्ता भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, और इस भाव से जब इस उद्देश्य से किया जाता है तो वो जो कथा होता है वो शुद्ध होता है प्योर होता है, और वो जो लोग भी उसको फिर सुनेंगे ध्यान पूर्वक तो उनके हृदय में परिवर्तन आ सकता है और उनको भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति मिल सकती है, ये ओरिजिनल पर्पस मुख्य उद्देश्य है कि भगवान का शुद्ध भाव से भगवान
के लिए समर्पित है शुद्ध भक्ति का गुणगान करना चाहिए, लोगों को प्रेरणा देना चाहिए उनकी भक्ति, और इस उद्देश्य को करने पूर्ति करने के लिए अपने खुद के साक्षात्कार के अनुसार और जिस प्रकार की ऑडियंस वहाँ पे बैठी है उनको प्रैक्टिकली देखते हुए कैसे अलग अलग प्रकार से आधुनिक उदाहरण तुलना दे करके वो किया जा सकता है, अलग अलग एग्जाम्पल्स और ये सब दे करके समझाया जा सकता है ताकि इंटरेस्टिंग बन सके, रुचिकर बन सके। और लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, इसको बोलते हैं साक्षात्कार। जैसे प्रभुपाद जी के आप लेक्चर सुनेंगे तो प्रभुपाद जी हमेशा जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन विषय वस्तु है किसी भी श्लोक का, वो सबसे पहले बताते हैं, फिर उसको समझाते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आधुनिक जीवन में अलग अलग क्या उदाहरण चल रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के उसको समझाते हैं, और फिर फाइनली उसको निष्कर्ष में वही मुख्य उद्देश्य पे लेके आके वापस स्थापित करते हैं और रिस्टेब्लिश करते हैं। इसीलिए कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकता है इस विषय। तो हर लेक्चर में कृपा जी के यही रहता है और हर तात्पर्य में भी इस प्रकार से कृपा जी प्रचार करते हैं, इसको बोलते हैं साक्षात्कार। द लीडर ऑफ द असेंबली इज ऑन अ कुड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्पीकर श्री शुद्ध गोस्वामी सिंपली बाय हिज अटरिंग यथाधीतम एंड यथामति, एंड देयर फॉर ही वॉज वेरी ग्लैड टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम इन एक्सटेसी। तो जब ध्यान पूर्वक कोई सुनेगा मान के भक्तों को, तभी वास्तव में वो उनकी उनके बारे में जान पाए, उनकी वैल्यू उनके मान को समझ पाएगा। कई बार लोग होते हैं जो केवल बाहरी कपड़ा देख करके सम्मान देते हैं, वो सोचते हैं हाँ ये तो सैफ्रन में है, ये बड़े स्वामी हैं महाराज हैं, इनको कालीन पहनाना चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और कोई व्हाइट में है गृहस्थ भक्त तो ये तो बस सी के साथ में आ गए। और इसलिए कई बार ऐसा देखा गया है बाहर लोगों को कि अगर कोई गृहस्थ भक्त है जो बहुत अच्छा प्रवचन दे सकता है, जो बहुत अच्छा कृष्ण कथा कर सकता है, यानी अच्छा मतलब बस मन को रंजन करने के लिए नहीं, शुद्ध रूप में शुद्ध भाव में वो समझा सकता है एज इट इज, और खुद भी अच्छे साधना पालन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के जो लोग होते हैं जो बाहरी रूप से आकर्षित होते हैं वो उनको सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखा। ये आज ही नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु के साथ भी है। चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे तो जब उनको कुछ लोग हुए जो प्रॉपर तरीके से सम्मान नहीं दे पा रहे थे तो महाप्रभु सोचे कि ये तो फिर इनके भक्ति के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु डिसाइड किए कि मुझे संन्यास लेना चाहिए, ये एक रीजन बना संन्यास लेने का श्री चैतन्य महाप्रभु का, प्रचार के उद्देश्य से, ये एक्सटर्नल रीजन, हालांकि इंटरनल रीजन तो और कुछ नहीं, लेकिन एक ये रीजन बना एक्सटर्नल रीजन कि संन्यास लेंगे, और संन्यास में जब सन्यासी वेश में देखेंगे तो लोग महाप्रभु को आपको प्रणाम करेंगे, और वो प्रणाम करेंगे और महाप्रभु जब बोलेंगे तो वो कम से कम ध्यान से सुनेंगे तो सही, इससे फिर वो जो है भागवत की कथा को श्रवण कर पाएंगे, मौका मिलेगा उनको ध्यान पूर्वक सुन पाएंगे और फिर भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, ये एक रीजन है। लेकिन वास्तव में इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि कोई भी भगवान के बारे में कथा कर रहा है तो वो सैफरन होना चाहिए तभी, यानी वही महान भक्त होगा, वही कथा अच्छा कर सकता है, या कोई कई बार शारीरिक रूप रंग से भी लोग सोचते हैं कि जो वो बोलते भी हैं, ये है एक स्टोरी जयपताका स्वामी महाराज के बारे में। तो जयपताका स्वामी महाराज को महाराज पहले बहुत पतले थे तो उनको एक समय पे भगवान का महाप्रसाद उनको दूध पिलाते थे तो दूध में बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स पीस पीस के डाल के उनको पिलाया जाता, तो भक्त जो देते थे महाराज को ये नहीं पता था, महाराज तो बस पी लेते थे, तो वो भक्त बोले कि महाराज को मोटा करना है ना, क्योंकि महाराज भारत में प्रचार कर रहे हैं और दुबले पतले रहेंगे तो फिर लोग उतना भाव नहीं देंगे, मोटे हो जाएंगे तो भारत में ये टेंडेंसी है कि अगर कोई साधु है अगर सैफरन पहना है और साथ में अगर खूब लंबा चौड़ा मोटा है तो उसको मानते हैं कि हाँ ये स्वामी जी ये गुरु जी ये साधु, और अगर कोई दुबला पतला है और वाइट कपड़े में है तो उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते, वो सोचते हैं ये ऐसे ही है, इसका कोई खास मतलब नहीं। जिस प्रकार से महाराज को खूब मोटा कर दिया तो फिर बाद में कुछ साल में महाराज काफी हैवी हो गए, और यहाँ पे एक बार आए थे जुहू बीच में ही, तो एक हिजोलेनियस कविचंद्र स्वामी महाराज है वो भी प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य हैं, बड़े बहुत ही महान वैष्णव हैं तो, लेकिन वो बहुत दुबले पतले हैं, हाइट भी उनका छोटा है दुबले पतले, तो वो और जयपताका महाराज साथ में जुहू भी जाया करते थे,
कभी कभी संकीर्तन के लिए जब करते करते, तो लोग जब भारतीय लोग देखते थे तो जयप्रदगा महाराज को देख करके सब प्रणाम करते थे, गुरु जी हमको आशीर्वाद दीजिए, ये है वो है। और साथ में हिंदुलेन कवि चंद स्वामी महाराज चलते थे, वो दुबले पतले थे, तो उनको कोई प्रणाम नहीं करता था, कोई हरे कृष्ण उनसे कोई बात भी नहीं करना चाहता, ये भारतीयों की टेंडेंसी थी। तो महाराज आकर पूछे कुछ भक्त से कि ऐसे कैसे, हम दोनों प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, दोनों सन्यासी हैं, दोनों गुरु हैं, तो लोग उनको आके प्रणाम करते मुझे नहीं करते, मतलब ईर्ष्या के भाव में नहीं, महाराज से जिज्ञासा हुआ, जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है, मतलब इसका ये लोग भेद दृष्टि क्यों। तो भारतीय भक्त वो बताए, इसका कारण है कि भारत में लोग जो मोटे होते हैं, जो साधु मोटे होते हैं, उनको समझते हैं कि ये गुरु है, ये स्वामी है, और जो दुबले पतले रहते हैं उनको समझते हैं ये ऐसे है, ये असिस्टेंट है। इस प्रकार से कपड़े का कलर देख करके, रूप सारे शारीरिक रूप की सुंदरता देख करके, या और ऊंचे स्तर पे अगर जाएं तो विद्वता देख करके, अगर कोई बहुत सारे संस्कृत के श्लोक बोल पा रहा है यानी वो बहुत महान साधु है, और जो संस्कृत के श्लोक ज्यादा नहीं बोल पा रहा है तो यानी वो ज्यादा ऐसे नहीं है, उसको अच्छा भक्त नहीं। तो इस प्रकार से जज करते कई बार, और कुछ कई बार ऐसे भी जज करते हैं कि अगर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से डायनामिक तरीके से प्रवचन दे सकता है, इसका मतलब वो बहुत महान भक्त है, और जो सिंपल लैंग्वेज में समझाता है तो वो मतलब है। तो कुल मिला के ये सारे जितने भी ऑब्स्टेकल हैं, बाधाएं हैं, हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। अगर कोई भी भक्त है, अगर हम उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जो जो बोल रहा है, समझा रहा है, उसके पीछे लॉजिक को समझते हुए जाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ ये वास्तविक रूप में कृष्ण कथा कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसीलिए ये जब सूत गोस्वामी, सौनक आदि ऋषि, ये लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुने थे सूत गोस्वामी, इसलिए उनकी वैल्यू को समझ पाए वो, कि सच में इनको ये भागवत का साक्षात्कार प्राप्त, इसलिए वो बड़े ही एक्सटेसी में भाव विभोर हो गए, ये रिजल्ट होता है। अगर कोई भक्त है, शुद्ध भक्त है, अगर वो सच में साक्षात्कार है, तो उनको अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपके हृदय में रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, भक्ति भगवान कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी, बोरिंग लग जाएगा। ऐसे कई बार देखा गया, प्रभुपाद जी के कई वरिष्ठ शिष्य हैं जो सच में भागवत साक्षात्कार प्राप्त शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो बड़े सरल भाषा से बोलते हैं, बहुत ज्यादा श्लोक को गा गा के नहीं बोलते, सरल भाषा में बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल टू द पॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल अपने साक्षात्कार को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बाहरी रूप से आकर्षित रहते हैं, ध्यान से सुनते नहीं, उनको बोरिंग लगता है, वो सोचते हैं ये क्या है, वही महाराज तो बार बार सिंपल सिंपल चीजें वही बोलते रहते हैं, कुछ नया चाहिए हमको, नया चाहिए, तो ये सही एटीट्यूड नहीं होता। लेकिन सौनक आदि ऋषियों के उदाहरण से हमको ये पता चल रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। कोई भी भक्त कथा करता है, चाहे वो बहुत अच्छा बोलता हो या उतना अच्छा ना बोलता हो, बड़े उत्साह से बोलता हो ये उतना उत्साह से ना बोलता हो, वो ठीक है, वो वक्ता की जिम्मेदारी है, उनको ये सब ध्यान रखना होता है कि कितना हम इंटरेस्टिंग बना सकें, ताकि लोग उसको सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ जो है भौतिक रूप से भी एटलीस्ट आकर्षित होकर के सुने तो सही, ये तो वक्ता की जिम्मेदारी है, उनको ये करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हर वक्ता जो है अलग, हर किसी का अलग अलग स्वभाव है, हम उनको ये नहीं कर सकते कि आप इसी तरह से ही बोलिए। कई बार लोग निमंत्रित करते हैं, जैसे मेरे को एक बार एक निमंत्रण आया बजरंग दल से, तो वो बोले कि प्रभु जी कोई वक्ता मिल सकते हैं क्या, हमको आक्रोश वाला प्रवचन कराना है, आक्रोश। तो मैं बोला ठीक है, पता करता हूँ कोई सीनियर भक्त होंगे, लेकिन उनका जो समय था वो त्योहार के वक्त है और सब बिजी रहते हैं। बोला तो मेरे को पूछा आप आ सकते हैं, बोला आ सकता हूँ, तो बोले कि आप लेकिन बहुत दुबले पतले दिखते हैं। तो बोला ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आप और भी किसी भक्त को बुला सकते हैं। बोले ठीक है, तो फिर वो बोले कि नहीं, लेकिन अगर आप आक्रोश के साथ बोलेंगे तो फिर आप ही आ जाइए। मैं बोला ये सब हम नहीं कर सकते, आक्रोश के साथ बोलेंगे और गुस्से में बोलेंगे, हम लोग जो शुद्ध संदेश है गीता भागवत का वो हम प्रेजेंट कर देंगे, धर्म क्या है, क्यों करना चाहिए, वो हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आक्रोश में आके कोई बोले और उनको इस तरह से उत्साहित करे कि वो लोग हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, इस प्रकार का प्रवचन लगा के, नारे लगा करके इस तरह सड़कों में घूमे, तो इसके लिए आप किसी और योग्य व्यक्ति को निमंत्रित कर लीजिए। तो मैं उसको समझाने का प्रयास किया कि इस्कॉन में जो भक्त है वो वास्तव में ब्राह्मणिकल कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है कि वो शास्त्रों के शिक्षा को एज इट इज यथारूप प्रस्तुत करेगा, अब उसको हमारे ऊपर हम कितना उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई बार लोग इस तरह से जज करते हैं।
लेकिन ये इस कैटेगरी के जो श्रोता होते हैं वास्तव में वो जो मूल विषय वस्तु है भागवत की उससे वंचित रह जाते हैं। नो लर्नेड मैन शुड बी विलिंग टू हियर अ पर्सन हु डज नॉट रिप्रेजेंट ओरिजिनल आचार्य। सो द स्पीकर एंड द ऑडियंस वर बोना फाइड इन दिस मीटिंग वेयर भागवतम वॉज बींग रिसाइटेड फॉर द सेकेंड टाइम। दैट शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ रिसाइटेशन ऑफ भागवतम सो दैट रियल पर्पज कैन बी सर्व विदाउट डिफिकल्टी। अनलेस दिस सिचुएशन इज क्रिएटेड भागवतम रिसाइटेशन फॉर एक्सट्रीनियस पर्पज इज यूजलेस लेबर बोथ फॉर द स्पीकर एंड फॉर द ऑडियंस। इस प्रकार से भागवत को कथा करने के व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए ये भी हमको पता चलती है सूत गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी के गुणों से, और श्रोता का क्या योग्यता होना चाहिए ये भी हमको पता चलता है परीक्षित महाराज और शौनक आदि ऋषि के उदाहरण से। इन दोनों को ही हमको समझना चाहिए और इस प्रकार से वक्ता या श्रोता बनना चाहिए, तब हम भागवत के श्रवण और कीर्तन का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इन दोनों में से अगर कहीं एक कोई एक भी गड़बड़ हो गया तो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर वक्ता तो सुखदेव गोस्वामी या सुत गोस्वामी जैसे हैं लेकिन श्रोता शौनक आदि ऋषि या परीक्षित महाराज जैसे नहीं है तो भी उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, या अगर श्रोता बहुत उत्साहित है परीक्षित महाराज सुखदेव शौनक आदि ऋषि लेकिन वक्ता ही सुखदेव गोस्वामी या सुत गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो भी वहाँ पे भागवत कथा का लाभ नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, शिक्षा यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय कृष्ण।